तो लोकसभा चुनाव की ताबड़तोड़ तैयारी में लग गई हैं बीएसपी सुप्रीमो मायावती। मायावती ने कर दिया बड़े गठबंधन का ऐलान। जी, लोकसभा चुनाव के लिए एक बड़े गठबंधन पर मायावती ने बड़ा फैसला ले लिया है। दिल्ली में हुई एक बड़ी बैठक के बाद मायावती ने इस बात का ऐलान खुद ही ट्विटर पर किया। वैसे मायावती का ये फैसला पंजाब को लेकर है, जहां लोकसभा चुनाव में मायावती अकाली दल के साथ जाएंगी। एक के बाद एक तीन ट्वीट कर मायावती ने अपने पत्ते खोले। मायावती ट्वीट कर सबसे पहले दिल्ली में हुई गुप्त बैठक का खुलासा करती हैं। माया ट्वीट कर जानकारी देती हैं, शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख श्री सुखबीर सिंह बादल व बहुजन समाज पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की आज दिल्ली में हुई बैठक में पंजाब में अगले लोकसभा आम चुनाव में पुराने आपसी गठबंधन की मजबूती व बेहतर तालमेल आदि के संबंध में सौहार्दपूर्ण वातावरण में आगे की रणनीति पर लाभकारी बातचीत। वहीं मायावती दावा करती हैं कि साथ से देश के सियासी समीकरण बदलेंगे। इतना ही नहीं, वह अकाली दल को भरोसेमंद भी कहती हैं। मायावती का ये दूसरा ट्वीट देखिए। शिरोमणि अकाली दल व बीएसपी गठबंधन भरोसेमंद, जिसकी ओर जनता की नजर। लोकसभा में इसके अच्छे रिजल्ट से देश की राजनीति में बेहतर तब्दीली संभव। पहले कांग्रेस व अब आप पार्टी सरकार के क्रियाकलापों व वादा खिलाफी आदि से जनता दुखी। पंजाब की जुगाड़ वाली नेगेटिव राजनीति भी लोगों को नापसंद। तो बसपा प्रमुख मायावती ने सुखबीर सिंह बादल के साथ गठबंधन को लेकर बातचीत का ब्यौरा तो दे दिया, साथ ही प्रकाश सिंह बादल के स्वास्थ्य लाभ की कामना भी की। मायावती कहती हैं, शिरोमणि अकाली दल के संरक्षक व पंजाब के पूर्व सीएम श्री प्रकाश सिंह बादल जी की अच्छी सेहत के साथ उनकी लंबी उम्र की कुदरत से कामना। शिरोमणि अकाली दल बीएसपी गठबंधन को बनाने तथा उसे मजबूती प्रदान करने में उनका योगदान सराहनीय। गठबंधन को उनका आशीर्वाद पहले की तरह ही पूरी मजबूती से बरकरार। आपको बता दें कि इससे पहले 2022 विधानसभा चुनाव में भी पंजाब में बसपा ने शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन किया था। चुनाव में बसपा ने 20 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, जबकि बाकी 97 सीटों पर शिरोमणि अकाली दल ने प्रत्याशी खड़े किए थे। इस चुनाव में शिरोमणि अकाली दल गठबंधन ने 3 सीटें जीती थी, हालांकि बसपा को 1 सीट पर जीत हासिल हो सकी थी। तो पंजाब में तो मायावती ने गठबंधन को लेकर ऐलान कर दिया है, जबकि यूपी में अकेले ही चुनाव लड़ने की बात वो कर चुकी हैं। ऐसे में आप लोगों को क्या लगता है, क्या आगे मायावती यूपी में भी किसी के साथ गठबंधन करेंगी या नहीं? या यूपी में भी मायावती को गठबंधन करना चाहिए या नहीं? और क्या पंजाब में मायावती का फैसला देश और यूपी की सियासत पर कितना असर डालेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।